आज का महानगर में आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर को आगरा में नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े SBI ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। इस घटना का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल CCTV में 3 बदमाश केंद्र में आते दिखाई दिए हैं, जिसके बाद हथियारों के बल पर तीनों बदमाश संचालक शैलेंद्र यादव से अभद्रता करना शुरू कर देते हैं। बदमाश संचालक से केंद्र के लॉकर की चाबी मांगते हैं, लेकिन संचालक शैलेंद्र यादव बदमाशों से भिड़ जाता है। बदमाश खुद को घिरता देख भाग खड़े होते हैं। इस दौरान एक बदमाश फायरिंग भी करता है, लेकिन लूट में विफल बदमाश केंद्र संचालक शैलेंद्र यादव के सिर में तमंचे का बट मारकर फरार हो जाते हैं। थाना एतमादपुर प्रभारी निरीक्षक विजय विक्रम सिंह का कहना है कि घटना से जुड़ा CCTV सामने आया है। पुलिस ने बीते शुक्रवार को ही संचालक की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। संचालक का मेडिकल भी कराया गया था। पुलिस आसपास में लगे CCTV खंगाल रही है। पुलिस ने तीनों अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 27/10/2023 को थाना एतमादपुर के अंतर्गत कुबेरपुर में एक ग्राहक सेवा केंद्र है, जिसके संचालक शैलेंद्र निवासी रहन खुद्र वो शाम को 7:30 बजे जैसे ही अपनी ग्राहक सेवा केंद्र को बंद करके वापस लौटने वाले थे, तभी एक बाइक पे 3 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने वहाँ लूट करने का प्रयास किया। जब मालिक द्वारा विरोध किया गया तो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई। समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। 3 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही घटना का सफल अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा।